साथियों, ये जो लड़ाई लड़ी गई ये प्रत्याशी नहीं लड़ा, ये जनता लड़ी है और आज ये जनता की बदौलत हम लोग 62 लोकसभा क्षेत्र को जीत गए हैं। इसी के साथ में अपनी और गाड़ी को विराम इस जीत का एक नजराना यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रशासन यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष कर रहा है। इस कार्यकर्ताओं के साथ इतना अन्याय हुआ है 10 साल में, उसी की देन है कि आज प्रशासन को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। जो समाजवादी पार्टी का नारा था पीडीए, ये पीडीए के ही जवान जो आए हैं, आज ये पीडीए के ही लोग आए हुए हैं जिनसे संघर्ष करना पड़ रहा है। 25 तारीख को राप्ती पार कर दिया गया, जिस दिन वोट पड़ा उसी दिन राप्ती पार हो गए, राप्ती उसी पार कर दिया गया 25 तारीख को। अच्छा, ये गुलाल और ढोल गाजे बाजे क्या क्या कारण है? आज 16 साल 15 साल के बाद समाजवादी पार्टी यहाँ संत कबीर नगर में, हमारा सांसद संत कबीर नगर का बना है, इसलिए बड़ी सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अगर पप्पू निषाद सांसद बनते हैं तो 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, सकारात्मक परिणाम आएंगे? हाँ, पूर्ण रूप से रहेंगे 5 साल और जनता के बीच में चलेंगे, क्योंकि जनता ने ही उनको जो है बनाया है। आम जनमानस हर जात वर्ग का वोट इनको मिला है। ईवीएम का बार बार जो है कहीं ना कहीं गठबंधन ईवीएम पे सवाल उठाता था और जिस प्रकार से परिणाम संत कबीर नगर में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या लगता है सही या गलत? हम लोग तो कार्यकर्ता हैं और आम जनता से अगर आप जाइएगा पूछिएगा तो आप भले जीत गए हम लोग, लेकिन ईवीएम पे हमेशा हमारा जो है अविश्वास है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में। सभी को 4 जून का इंतजार था कि मतगणना होगी और जो भी परिणाम होंगे वो सामने आएंगे। आज 4 जून है और अभी के जो संत कबीर नगर के परिणाम है, तकरीबन 90,000 वोट से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं प्रवीण निषाद से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। यहाँ पे हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में है और ये NHI 27 के किनारे ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये सभी जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और जोश इस प्रकार से है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी यहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक नेता है, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके माध्यम से मैं संत कबीर नगर के 62 लोकसभा संत कबीर नगर के सभी जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुबह से लेकर के लगातार लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जो है लीड कर रहे हैं, क्या कहिएगा? ये जो जनता का एक आक्रोश था उसका परिणाम है कि हमारा प्रत्याशी कभी जब से मतगणना शुरू हुई हमेशा लीड करता चला गया। और किस प्रकार का आक्रोश था जनता में? जनता में आक्रोश था, पहली बात जो है महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, जो इस पे जो है सरकार जो है कुछ काम नहीं कर पाई, केवल जो है जुमला और तमाम अफवाह जनता के बीच बांट रहे थे। और सबसे बड़ी जो इनकी सरकार की जो सबसे बड़ी खामी है, वो अधिकारियों को खुली छीट दे दिए हैं जनता को लूटने के लिए। हर जगह भ्रष्टाचार है, थाने से लेकर के तहसील तक जो अधिकारी खुलेआम जनता को लूट रहे हैं और ब्लॉक से लेकर के तहसील तक कहीं भी ऐसा नहीं जाएंगे बिना पैसे का, आपका कोई काम कोई अधिकारी एक काम कर दे। इसका जो है परिणाम जो है इस चुनाव में जनता ने आपके सामने रख दिया। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दे प्रभावशाली रहे? मुद्दे मेन चीज बेरोजगारी और महंगाई और जो शिक्षा महंगी हो गई है, यही मेन मुद्दा था। और जो है किसानों का जो खाद और बीज का जो महंगाई बढ़ गई है, बस यही मेन मुद्दा था। हाँ। अच्छा, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को जब टिकट मिला था, जब उनको प्रत्याशी घोषित किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये डमी कैंडिडेट हैं और आज कहीं ना कहीं प्रभाव दूसरे प्रकार का देखने को मिल रहा है। आज हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जमीन पे उतर करके जो है जो उनके कैंडिडेट थे उनका पहले सर्वे कराया और सर्वे करा करके तब पप्पू निषाद को वोट दिया, टिकट दिए थे। और पप्पू निषाद ऐसे कैंडिडेट थे जो आपको आज जो परिणाम जो दिखाई दे रहा है उसका डमी और जो लड़ने वाला कैंडिडेट आपको देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि संत कबीर नगर में या फिर प्रदेश में पीडीए का नारा सफल रहा? पीडीए का नारा ये जो है अभी एक बानगी है उत्तर प्रदेश में, ये पूरे देश में पीडीए की ही सरकार, आने वाली जो सरकारें आएंगी बिना पीडीए की कोई सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, एनडीए और इंडिया की बात कर लीजिए तो कहीं ना कहीं एनडीए अभी भी बढ़त बना रही है और सरकार बनाने की तरफ जो है कहीं ना कहीं उन लोगों का रुख है।
असल बात है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के आदी हैं, और उनका जो है डिक्टेटरशिप चला है, वो जो है गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में रहेगी तो ये सरकार एक मिनट भी नहीं चला पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं बनती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनती? हमको तो नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार के अलावा जो गठबंधन जो टूटी फूटी सरकार उनके बस की, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है जो सबको मिला करके एक साथ, वो जो डिक्टेटरशिप है उनको डिक्टेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी सरकार नहीं चला सकते। अच्छा, पप्पू निषाद संत कबीर नगर से लगातार बढ़त बना रहे थे, 92,000 तक वो लीड किए थे, अब घट करके आ गए 88,000 पे, क्या कहिएगा कि कुछ क्रम घट सकता है या और बढ़ सकता है? अभी लास्ट तक आप देखिए उनकी मार्जिन 1,00,000 से ऊपर रहेगी, और आप निश्चिंत होके जाइए जो है उनकी लीड जो है 1,00,000 से ऊपर की होगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा कि ईवीएम का बार बार जो है कहीं ना कहीं गठबंधन ईवीएम पे सवाल उठाता था, और जिस प्रकार से परिणाम संत कबीर नगर में देखने को मिल रहे हैं तो क्या लगता है सही या गलत? हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, और आम जनता से अगर आप जाइएगा पूछिएगा तो आप भले जीत गए हम लोग, लेकिन ईवीएम पे हमेशा हमारा जो है अविश्वास है। ईवीएम से हम लोग नहीं चाहते हैं चुनाव हो, हम लोग यही चाहते हैं कि बैलेट पेपर जो पहले था हम अपनी मुहर लगाए और वो हमारे वो प्रमाण हमको जो है जो गणना में हमको दिखाई दे, हमको ईवीएम पे अभी भी भरोसा नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से संत कबीर नगर का परिणाम आएगा तो भी भरोसा नहीं? परिणाम का मतलब नहीं है, हम 1,00,000 से जीते थे, बैलेट पेपर से होता हम 2,00,000 से जीतते, मतलब क्रम बढ़ सकता है। क्रम हमारा बजट आज जो हम 37 सीट पे जीत रहे हैं, हम 70 सीट पे जीतते। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, बोलिए। क्या कहिएगा, समाजवादियों ने एक नारा दिया था राप्ती पार का, क्या था वो? और राप्ती पार का नारा इसलिए दिया था क्योंकि जनता के बीच में प्रवीण निषाद खड़े नहीं उतरे, और आम जनमानस ने दिखा दिया, पीडीए गठबंधन ने दिखा दिया कि जो है हम जो है यहाँ संत कबीर नगर के प्रत्याशी को चाहते हैं। हाँ, संत कबीर नगर मतलब प्रत्याशी हमारा रहेगा, और बाहरी को भगाओ, संत कबीर नगर बचाओ। अच्छा, क्या लगता है कि अगर पप्पू निषाद सांसद बनते हैं तो 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, सकारात्मक परिणाम आएंगे? हाँ, पूर्ण रूप से रहेंगे 5 साल, और जनता के बीच में चलेंगे क्योंकि जनता ने ही उनको जो है बनाया है, आम जनमानस हर जात वर्ग का वोट इनको मिला है पप्पू निषाद जी को, इसलिए आम जनता के बीच में चलते रहेंगे 5 साल। हाँ जी, चलिए आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे कि लीड जो है करते जा रहे हैं और कुछ संख्याएं घट भी रही? ये लीड बढ़ती जाएगी, अब कम होने वाली नहीं। 92 थे 88 पे आ गए, अभी तो कुछ बढ़ेगा जरूर, ऐसा तो ही नहीं कि 92 से 88 88 से 92 भी हो सकता है। तो क्या लगता है, जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। माने वोटों से जीत सकते हैं? हम यहाँ पर लगभग 1,00,000 वोट से ऊपर यहाँ पर लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। जीत का एक नजराना यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रशासन यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष कर रहा है? इस कार्यकर्ताओं के साथ इतना अन्याय हुआ है 10 साल में, उसी की देन है कि आज प्रशासन को इतना संघर्ष करना पड़ा है। जो समाजवादी पार्टी का नारा था पीडीए, ये पीडीए के ही जवान जो आए हैं, आज ये पीडीए के ही लोग आए हुए हैं जिनसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ये पीडीए के जवान एनएचएआई के ठीक बगल में, और कहीं ना कहीं यातायात बाधित ना हो इसलिए प्रशासन संघर्ष कर रहा है? कोई यातायात बाधित नहीं होगा, पीडीए के जो जनता जनार्दन है बड़े इस अपने ढंग से यातायात को बाधित नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और क्या मुद्दे प्रभावशाली रहे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का बेरोजगारी, अग्निवीर, शिक्षा, अस्पताल, सबसे मुद्दा ये रहा कि ये चारों मुद्दा है, 5 मुद्दा थे जो जनता को मिलनी चाहिए थी। अच्छा, अगर लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद सांसद बनते हैं तो संत कबीर नगर का विकास किस प्रकार से होगा? विकास हर क्षेत्र में होगा, अस्पताल से लेकर, सड़क से लेकर, शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, हर तरह का विकास कराया जाएगा। संत कबीर नगर में अगर अस्पताल की बात कर ली जाए तो एक जो है सरकारी अस्पताल के अलावा यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, अगर किसी का तबीयत सीरियस होता है तो उसको भाग करके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज या फिर लखनऊ जाना पड़ता है, तो किस प्रकार से जो है इस व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा? ये अस्पताल भी जो बना है यहाँ पर सदर का, ये समाजवादी पार्टी के दिन थी जो अस्पताल बना है, आगे हम लोग को उम्मीद है यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज के नाम पर जरूर बनेगा। हमारे जो जीत रहे हैं यहाँ के सांसद पप्पू निषाद जी जो जीते हैं उनसे हम लोग को विश्वास है
इस अस्पताल का बड़े स्तर पर यहाँ कर बनाकर अस्पताल को इस जिले को देकर यहाँ के गरीब जनता का भलाई करने का कार्य। बस अड्डा पे बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से बस अड्डा जो है भुवरिया में प्रस्तावित है, तो क्या उसपे कार्य चलेगा या फिर रुक जाएगा? बिल्कुल चलेगा कार्य, वहाँ पर जमीन प्रस्तावित है, तो हमारे सांसद जी की देन होगी कि वह भव्य तरीके से उससे बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तो मित्रों, शाम जैसे जैसे ढल रही है, समाजवादी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी 92,000 वोट से पप्पू निषाद लीड कर रहे हैं, क्या कहिएगा? 92,000 वोट से लीड कर रहे हैं पप्पू निषाद। सबसे पहले तो मैं ये 62 लोकसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर हमारे पप्पू निषाद जी को भारी मतों से विजयी बना के और दिल्ली की महापंचायत में भेजने का जो निर्णय लिया है वो बहुत सर्वमान है। साथियों, ये जो लड़ाई लड़ी गई, ये प्रत्याशी नहीं लड़ा, ये जनता लड़ी है, और आज ये जनता की बदौलत हम लोग 62 लोकसभा क्षेत्र को जीत गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी और गाड़ी को विराम। चलिए, क्या लगता है कि भाई साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही थी, अगर जनता चुनाव लड़ी तो क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे जीत के बाद? बिल्कुल, जो भाई साहब ने कहा उनकी बात से मैं सहमत हूँ। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जो कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को जिंदा किया है। जिस तरह से सरकारों ने तानाशाही का रवैया अपनाया था, जनता ने बिल्कुल उसका जवाब वोटों से दे करके एक बेहतरीन सरकार चुन करके आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल करेगी। एनडीए बना इंडिया, अभी भी कहीं ना कहीं एनडीए बढ़त बना रही है और सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है, क्या कहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये बस मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। आप असल खेल 6 बजे के बाद शुरू होगा। क्या खेल होगा 6 बजे? जो भी सस्पेंस बातें हैं, जो भी हर चीज बातें हैं, आगे जो हाईकमान तय करने वाला है वो आपको 6 बजे के बाद हर चीज आपको दिखाई पड़ेगी टीवी के ऊपर। कौन सरकार बनाएगा बताइए, कौन सरकार बनाएगा? सरकार तो नीतीश और अखिलेश यादव और राहुल बनवाएंगे, और सरकार मनलम को नीतीश जी तो बीजेपी साथ, नीतीश तो पलटी मारेंगे, आ जाएंगे। नीतीश भैया कहने में देरी नहीं है, और आगे लगता है एनडीए से उनका मजबूत गठबंधन है, कैसे लगता है? लगता है इसलिए है, जो भी सीट मिली है वो आ जाएंगे समाजवादी में, इंडिया गठबंधन में। और पप्पू को केवल एक गांव संत कबीर नगर याद है जहां उनके बाप का निकुरा कटा था, महमदपुर कटार, केवल एक ही गांव मालूम पप्पू को। नहीं, पप्पू तो पूरे उत्तर प्रदेश में सब दिल्ली तक पहुँच गए। पप्पू की आपने कहा कि पप्पू को एक गांव याद है, नहीं, परवीन निषाद को एक गांव याद है, केवल कटार, ये महमदपुर कटार केवल एक गांव याद है जहां उनके पिताजी के नाक कटा था, बस वही गांव याद है। पूर्व पश्चिम को मालूम नहीं है कैसे वो बीजेपी लहर में चुनाव जीत गए। अच्छा, सपाइयों ने क्यों ऐसा नारा दिया था कि राप्ती पार? 25 तारीख को राप्ती पार कर दिया गया, जिस दिन वोट पड़ा उसी दिन राप्ती पार हो गए, राप्ती उसी पार कर दिया गया 25 तारीख को। अच्छा, ये गुलाल और ढोल गाजे बाजे क्या कारण है? आज 16-15 साल के बाद समाजवादी पार्टी यहाँ संत कबीर नगर में, हमारा सांसद संत कबीर नगर का बना है, इसलिए बड़ी सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जीत नहीं हुई, जीत हो जाएगी, खुशी आप पहले मना। 6 बजे के बाद देखिएगा और सीटें बढ़ेगी, 6 बजे के बाद 6 से 8 बजे तक संत कबीर नगर का क्या परिणाम? संत कबीर नगर का तो 1 लाख से ऊपर जीत रहे हैं पप्पू भाई। क्या भाई साहब, सही कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, 1 लाख पूरा लीड कर रहे हैं पप्पू निषाद जी। भाई साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, इनकी बातों में पूर्णतः सत्यता है। 1,50,000 आंकड़ा पार करेंगे पप्पू जी। जी, अच्छा, सरकार कौन बनाएगा, एनडीए या इंडिया? इंडिया, इंडिया बनाएगी एनडीए हमेशा बढ़त बना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्यों मीडिया दिखा रहे हैं जी। भाई साहब अभी बोल करके गए हैं कि नीतीश चाचा भी आ सकते हैं। जी जी, आ गए, आ गए। कैसे, बड़ा मजबूत गठबंधन, बात हो गई उनकी, बात हो गई। हाँ, बात हो गई, चाचा सबके हैं, किसी एक के नहीं है। एक तरफ मीडिया से एनडीए भारत मीडिया बना रही है, एनडीए नहीं भारत बना रही है, केवल मीडिया बना रही है, एनडीए कहीं नहीं बढ़ रहा है। साथ ला दो इसकी सरकार बनी, इंडिया के अंदर भी सरकार बनाए, धोखा भी लगा इनसे, खुद हम कबीर नगर में खेला होगा, वही फिर गुलाल लगा, क्या कहते हैं, राप्ती पार होगा, राप्ती पार हो गया है, जो दूसरे भाग के कोई दिखेगा नहीं, सब लोग मिलके इस जिले को आगे बढ़ाएंगे और जिले को तरक्की पे ले जाएंगे। कि ये भाई को आप सम्मान से एक भाई प्रस्ताव आप देख रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के कबीर जी कार्य करने का काम ही किए,
इसीलिए उनको दो तिरस्कार किया गया और राखी गुलाल लगा अरे आप मछुआ समाज के लिए तमाम काम करने वाले आप लोगों को आरक्षण देने वाले पूरा दावा करते थे ये शाम को पता चले मछुआ समाज को आवाज देने वाले थे नाना प्रकार का उनको विकास।